हेलो पीपल, दिस इज मोनिका अग्रवाल एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल टैरो कार्ड रीडर मोनिका अग्रवाल। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग है वो आप लोगों का ही वोटेड टॉपिक है। मैंने चार टॉपिक डाले थे वहाँ पर, और आपने जो सबसे ज़्यादा वोट करा है वो करा है व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। यस, अभी तो देखिए अक्टूबर भी आ रहा है, लेकिन आप लोगों को अक्टूबर मंथली रीडिंग्स के अगेंस्ट आपने इस टॉपिक को वोट करा है, तो हम अक्टूबर की जो मंथली रीडिंग्स हैं वो इस वीक स्किप कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों की जो चॉइस है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है। जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं, वही मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तीन पाइल सिलेक्ट करी हैं। एक ब्लू कार्ड का है जो बिल्कुल प्लेन ब्लू कार्ड है, एंड देन एक ब्राउन कार्ड्स हैं और एक राइडर वेट कार्ड्स हैं। राइडर वेट इज़ अ पाइल नंबर वन, ब्राउन कार्ड इज़ अ पाइल नंबर टू एंड ब्लू कार्ड इज़ अ पाइल नंबर थ्री। अब हम एक प्रोसेस के अंदर एंटर करेंगे ताकि हम सही पाइल जो आपके साथ रेसोनेट कर सकती है उसको चूज कर सकें। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सांसों पे थोड़ा सा ध्यान लेके आइए। पूरा ध्यान केवल अपनी स्वाभाविक सांसों पे रखना है, ना तो सांस लेनी है अपने आप से, ना छोड़नी है। रिक्वेस्ट करिए कि जो भी आसपास एंजल्स हैं और स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो आपको हेल्प करें वो पाइल चूज करने में जो आपके लिए बनी है, आपके साथ रेसोनेट करती है। पूरे ट्रस्ट के साथ एंजल्स पे विश्वास करते हुए धीरे धीरे अपनी आईज खोलिए और जिस पाइल की तरफ आपका पहला अट्रैक्शन जा रहा है, यानी कि राइडर वेट, then this ancient cards and then this oracle cards, आपका जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्शन जा रहा है वो आप चूज कर लीजिए और उसी पाइल की रीडिंग्स को आप कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज पाइल वन, पाइल टू एंड पाइल थ्री। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लाने का, और आप भी कोई रीडिंग मिस नहीं करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि और भी लोग इस पर जुड़ सकें, और शेयर करिए अपने इंस्टा प्रोफाइल, फेसबुक, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आई होप अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और बिना किसी देरी के हम पाइल नंबर वन की रीडिंग पे मूव ऑन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स पेड होते हैं, प्योर चार्जेबल होते हैं, तो कृपया फ्री रीडिंग्स की रिक्वेस्ट मुझसे पर्सनल लेवल पे ना करें। और जो लोग ये सोचते हैं कि हम एक ट्रायल रीडिंग ले लें, तो ट्रायल रीडिंग्स के लिए ही ये पिका कार्ड रीडिंग्स डाली जाती हैं, इसके अलावा कोई ट्रायल रीडिंग नहीं होती है। कृपया अपने और दूसरे के वक्त का ध्यान करें और उसको वैल्यू करें, क्योंकि अगर आप दूसरे के पैसे और वैल्यू वक्त का ध्यान करेंगे, वैल्यू करेंगे, तो आपको भी वैल्यू मिलेगी। चलिए अब हम पाइल वन पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। आप क्या इस समय जानना आपके लिए आवश्यक है, उसकी पाइल वन पे रीडिंग पे मूव करते हैं। सो हाय एवरीवन, जिन्होंने पाइल वन सिलेक्ट करा है उनके लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, और क्योंकि आपने राइडर वेट का कार्ड सिलेक्ट करा है जो कि सबसे ट्रेडिशनल वन ऑफ द कार्ड्स है, तो मैंने उसी के सारे कार्ड्स निकाले हैं। और ये रीडिंग है व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, यानी कि आपको इस समय क्या जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, जो मैंने पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाले थे, ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपका अभी एनर्जीज कुछ करेक्शन होना शुरू हुआ है। कुछ आपका लाइफ में ऐसी चीज़ें रही थी जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल करा था और आपने कुछ सेटबैक्स फेस करे थे। मे बी आपके लव लाइफ में या आपके जॉब में आप कुछ फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एक स्ट्रगल फेस दिखा रहा है, लेकिन अब उन चीज़ों से आप निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक होप की तरफ, एक जिसे कहते हैं ना, एक आशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है आपके इनर स्ट्रेंथ की वजह से। कहीं ना कहीं लोगों की बातों ने,
या शायद बाकी लोगों ने आपको काफी लेट डाउन करने का कोशिश करा और आप एक तरह से इस स्टेज पे लाने की कोशिश करी जहाँ पे आप बिल्कुल होप लूज कर दें, मतलब कि कहते हैं ना कि आप यहाँ से कुछ आगे हो नहीं सकता। इस तरह की आपके आसपास के कुछ लोग थे जो आपको ये सब बातें कहते थे या ये सब आपको समझाने का कोशिश करते थे कि भाई नहीं, जो है वो यही है, आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, या और ज्यादा डिप्रेसिंग थॉट्स आपके अंदर डालते थे। तो ऐसा होता है ना, कई बार हमारे आसपास लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी लाइफ में तो कुछ सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं और दूसरे को वो अपने नजरिए से ही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यही सब कुछ आपके साथ हो रहा था, लेकिन आपकी जो इनर स्ट्रेंथ थी वो इतनी स्ट्रांग थी, आपकी जो विल पावर थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि आपने ये डिसाइड कर लिया था कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड ने कि भाई अब जो भी कुछ हो जाए मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और लिखा है या नहीं लिखा है मैं अपना ट्राई पूरा करूंगा या करूंगी, मुझे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है, जो होगा देखा जाएगा। और इस एटीट्यूड के साथ आपने पूरी सिचुएशन से फाइट बैक करा, आप उस पूरे स्ट्रगलिंग पीरियड में आप अकेले रहे, आपने पूरा स्ट्रगल करा और जो लोग साथ नहीं देना चाहते थे उनको जाने दिया, जो लोग साथ देना चाहते थे उनको साथ में रखा। मतलब एक बहुत ही टफ और एक लर्निंग लेसन्स वाला पीरियड आपका निकला है, और डेफिनेटली इस तरह के जो टाइम पीरियड होते हैं ना वो हमको और स्ट्रांग बनाते हैं, विल पावर से भी और इच्छा शक्ति से भी। और वहाँ पे हमें काम सिर्फ हमारी विल पावर ही आती है, हमारी इच्छा शक्ति आती है। अगर वो मैंने कई बार पहले वीडियोस में भी बोला है कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, तो वही आपके मन ने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सिचुएशन से हारना नहीं है, मेरे को गिव अप नहीं करना है और मेरे को फाइट बैक करना है। और उसी मन के साथ, उसी विल पावर के साथ, उसी जज्बे के साथ आपने पूरा फाइट बैक करा सिचुएशन के साथ, आपने गिव अप नहीं करा और आप लगे रहे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आपने वो होप नहीं छोड़ी, आपने वो अपनी इच्छाएं नहीं छोड़ी, और उसके लिए जो भी एक ऑनेस्ट तरीका होता है वो आपने फॉलो करा अपने। आप देखिए वहां पे कहीं ना कहीं जाके अब आप एक ऐसे स्टेज में हैं जहां पे करेक्शन ऑफ एनर्जी शुरू हो गया है। मतलब अगर ये चीज़ आपके जॉब से रिलेटेड है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा था या आपको आपके लेवल का जॉब नहीं मिल रहा था और आसपास के लोग कह रहे थे कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, आप कम लेवल पे चले जाओ या इससे आगे नहीं हो सकता, तो आप कहीं ना कहीं अपने सर्च में जारी थे, जटे रहे, और वहीं पर अब आपको होप्स दिखाई देनी शुरू हो रही है, यानी कि जॉब ऑफर्स आपको आने शुरू हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ यही जानने की ज़रूरत है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना वो किसी के भी इफ एंड बर्ड्स, किसी के भी ऑब्स्टेकल्स, किसी के भी रिस्ट्रिक्शन से बड़ी है, और आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो गॉड गिफ्टेड है। कहीं ना कहीं गॉड ने, यूनिवर्स ने आपको वो एक स्वाभाविक इनर स्ट्रेंथ दी है। जैसे हम कहते हैं कि बाय बर्थ गिफ्टेड पावर्स जो होती हैं, तो आपके अंदर जो बाय बर्थ गिफ्टेड पावर्स है वो है आपकी विल पावर एंड स्ट्रेंथ। बेशक कोई कह दे कि आपके प्लैनेट्स ठीक नहीं है, बेशक कोई कह दे आपके ग्रह ठीक नहीं है, लेकिन आपकी विल पावर ने हमेशा आपको ऐसे सिचुएशंस में साथ दिया है, स्टेबल रखा है। तो आपको सिर्फ ये जानने का जरूरत है कि आपको ग्रैटिट्यूड में रहना है, मतलब यूनिवर्स जो भी कुछ आपको दे रहा है या जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें आपको डिसहार्टन नहीं होना, आपको एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग अपने साथ बनाकर रखनी है। क्यों? क्योंकि इससे भी वर्स सिचुएशन हो सकती थी, लेकिन आपको यूनिवर्स ने, भगवान ने वो इच्छा शक्ति दी है, वो पावर दिया है कि आप किसी भी चीज को अपने हिसाब से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और उस पावर के बेसिस पे आप काफी हद तक, यानी कि आप 80% अपनी प्रॉब्लम्स का रास्ता पार कर चुके हैं, 80% आपका कार्मिक हीलिंग जो था वो पूरा हो चुका है और अब आप एक सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चीज आप बना के रखें, उस चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड में रहें जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, और उन चीजों के प्रति आप जो चीजें आपको छोड़नी है या जो लोग आपको छोड़ने हैं या जो आपके ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इनफैक्ट आपको लेट डाउन कर रहे हैं, आप उनसे हटिए, उनको आप छोड़ के आप आगे मूव ऑन करिए। जो जिसका कर्म होता है उसके हिसाब से उसको फल मिल जाता है। अच्छा, अब और आपको क्या जानने की जरूरत है, देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका न्यू जॉब, न्यू लव, न्यू मैरिज, न्यू रिलेशनशिप,
कुछ भी नया हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अब नया होगा, सब कुछ ही नया होगा इनफैक्ट, क्योंकि आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना सीख रहे हैं, एक नई एनर्जीज वाइब्रेट हो रही हैं, एक पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, कोई नई चीज़ की शुरुआत होगी, कोई नया जॉब, नया रिलेशनशिप, न्यू लव, मैरिज, कुछ भी नई चीज़ की, कोई एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जहाँ पे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू होगा, यानी कि जीने का तरीका जो आपका अभी तक रहा है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, आपको खुद अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, लेकिन जो भी कुछ होगा वो पॉजिटिव होगा डेफिनेटली। तो ये मुझे आपका कुछ जर्नी का भी कार्ड आ रहा है, मतलब कुछ लोगों के साथ ये लव में रेजोनेट कर सकता है और कुछ लोगों के साथ ये बिजनेस डील्स में रेजोनेट कर सकता है, कि आने वाले 3-4 महीने में कुछ जर्नीज होंगी, या कोई जर्नी अगर आपके पास अभी फ्यूचर में आ रही है, तो थोड़ा सा जब यहाँ पे हम अगर नज़र डालते हैं इस कार्ड पे, तो ये एक स्लाइट वार्निंग का भी कार्ड हो सकता है कि आपने जो काम करना है, जिस रास्ते पे आप बढ़ रहे हैं वो बढ़िए, लेकिन प्रिकॉशन के साथ बढ़िए, कॉशन के साथ बढ़िए, जल्दबाजी में कहीं ऐसा ना हो कि आपके जितने भी हार्डवर्क है, या आपने जो स्ट्रगल करा है, या आपने जो हासिल करा है, कहीं उसको मत खो दीजिएगा, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड ये भी शो करता है कि आपके पास काफ़ी सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस डील्स, या अगर लव की बात करूँ तो लव प्रपोजल्स आएंगे, लेकिन वहाँ पे अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, या जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जो जैसे आउट ऑफ ग्रीड या आउट ऑफ यू नो फास्ट सक्सेस से जुड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको सेटबैक्स हो सकते हैं, क्योंकि एक वार्निंग कार्ड ये किसी एक ऐसे इंसान का आ रहा है कि कहीं ना कहीं कोई एक इंसान है जो आपके फेस पे ट्रू नहीं है, आपके लिए बहुत मीठा बनता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको काटने से नहीं चुकता। ये कोई भी आपका बिजनेस राइवल हो सकता है और कोई भी आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, बट ये बात तो श्योर है कि जो भी कोई है ये बहुत ही क्लोज है। और अगर हम लव की बात करें तो भी आपको लव पार्टनर बहुत ध्यान से चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको कुछ लव प्रपोजल्स मिल सकते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, और जहाँ तक मैं इस कार्ड को देखूँ तो देर इज़ अ यू विल बी स्टक बिटवीन टू चॉइसेस, दो लोगों के बीच में आप स्टक हो जाएंगे या दो चॉइसेस के बीच में स्टक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा एक मुझे कहते हैं ना एक मोड हो जाता है कि इधर या उधर, और वो माइंड आपका इतना स्टक कर जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन सा डिसीजन लूं, क्योंकि एक हो सकता है कि बहुत लुक्रेटिव हो और एक हो सकता है जो आपके लिए लॉन्ग रन के लिए बेनिफिशियल या हेल्दी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई ट्रैवल आ रहा है, आपको उसमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर कोविड का सिचुएशन चल रहा है या कोई ऐसा सिचुएशन चल रहा है जो आपके लिए सेफ नहीं है उस जगह ट्रैवल करना, तो वहां आपको कॉल लेना पड़ेगा सेफ्टी का। ऐसे ही लव के सिचुएशन में हो सकता है कि कोई आपको कोई लव प्रपोजल मिले जो देखने में फिजिकल अपीयरेंस में बहुत अच्छा हो लेकिन नेचर वाइज ना हो, जहां की दूसरी तरफ आपका कोई सोलमेट जो कि एक एवरेज लुकिंग हो सकता है, लेकिन आपको हो सकता है इनिशियल लेवल पे उसकी कुछ बातें पसंद ना आए, बट वो अल्टीमेटली आपका सोलमेट हो, आपके लिए बना हो। तो ये जो चीज आपके सामने आने वाली है ना, ये यूनिवर्स आपको बता रहा है कि दिस इज व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल ऑफ, दैट यू नीड टू बी यू नो आपको डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने पड़ेंगे। बट एक कार्ड आ रहा है कि देखिए जॉब एंड बिजनेस फ्रंट पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर उस फ्रंट पे आप कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम्स का एंड आपका डेफिनेटली आने वाले टाइम में होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू राइट, व्हाट यू नीड टू नो फॉर द पाइल वन। तो पाइल वन में इतना ही था। अगर आपको रीडिंग पसंद आ रही है तो ड्रॉप अ हार्ट, रीडिंग को शेयर करिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। अब हम पाइल टू की तरफ मूव ऑन करेंगे, जिन्होंने दूसरे कार्ड्स चूज करे थे, और देखते हैं उनके लिए रीडिंग क्या कहती है। सो हेलो पीपल, दिस इज मोनिका अग्रवाल, और अब हम पाइल टू के लिए
रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं। और मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल दिए हैं जो पाइल आपने चूज करी थी उसके। तो देखते हैं कि पाइल टू वालों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखिए मुझे आप ये जो दिख रहा है व्हाट यू नीड टू राइट नाउ और नो राइट नाउ, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ये जानने का ज़रूरत है कि आपसे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी तरफ लोग एडवाइस के लिए देखते हैं। मतलब अक्सर जब लोग दिक्कत में होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं तो वो आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप एक काउंसलर की तरह उनको नज़र आते हैं। और सबसे अच्छी बात आप में ये है कि आपके मतलब आपके ऊपर वो रिलाई कर सकते हैं, वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि आपके पास से वो बात कहीं नहीं जाएगी। और ये जो आपकी एबिलिटी है ये आने वाले टाइम में बहुत सारे नए लोग आपकी तरफ लेकर आएगी, आप उनके लिए एक रे ऑफ होप बनेंगे, वो आपके पास आकर बेनिफिट होंगे, आपके कांटेक्ट में आएंगे, आपके साथ एक बॉन्डिंग बनाएंगे। और हो सकता है कि आप किसी एक ऐसे स्पिरिचुअल प्रोफेशन में भी हो जहाँ पे आपका वर्क ही ये है कि आप लोगों को काउंसलिंग करें, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑनेस्टी से, आपकी एडवाइजरी कैपेबिलिटी से और आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजें रखने की कैपेबिलिटी से बहुत सारे लोग आपके साथ अभी आने वाले टाइम में जुड़ने वाले हैं। तो आपको ये बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आप उनके साथ जेंटल रहें, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे हमारे कांटेक्ट में आते हैं जो काफी एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं। और कभी कभी ना ऐसे लोगों के साथ डील करते करते हम भी बहुत ज्यादा इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट ये चीज का ध्यान रखना है कि हो सकता है उनमें से कोई रियली जेन्युइन हो, तो पहले आप पूरा अच्छे से जज कर लीजिए किसी भी इंसान को कि क्या वो रियली जेन्युइन है, उसको जेन्युइनली मदद की जरूरत है तो आप उसको मदद करिए, क्योंकि हो सकता है कि यही इंसान आगे जाके आपके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बनाए और आपको काफी हेल्प करे। और दूसरा मुझको ये नजर आ रहा है कि आपकी फैमिली में काफी कुछ चेंजेस होने वाले हैं, यानी कि अगर आप बहुत टाइम से अपने पार्टनर से दूर हैं, अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं और आप कमिटमेंट की तरफ देख रहे हैं, मैरिज की तरफ देख रहे हैं, तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन किसी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हैं, अलग रह रहे हैं, अलग शहर में रह रहे हैं, अलग घर में रह रहे हैं, या कोई मिसकम्युनिकेशंस हो गई हैं जिसकी वजह से आप लोगों में दूरियां आ गई हैं, वो आपका जल्दी अब वापस रिकंसिलेशन होगा। रिकंसिलेशन कैसे होगा कि आपके पार्टनर को ये रियलाइज होगा कि उन्होंने जो भी कुछ आपके बारे में सोचा या किसी की बातों में आकर समझा वो गलत था, आप वैसे नहीं है, वो आपका ट्रू साइड बहुत जल्दी देखेंगे। और उसके चलते ही ना वो उनके अंदर जो दबा हुआ प्यार है आपके लिए, जो कि पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर अलग हैं या वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो आपको प्यार नहीं करते हैं, वो डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों की बातों से इफेक्ट होकर दब रहा है और वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मिसकम्युनिकेशन या शक के घेरे बंधे हुए हैं। अब ये है कि जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो ये आ रहा है कि सच्चाई उनके सामने बहुत जल्द आएगी, वो लोग भी उनके सामने बहुत जल्द आएंगे जिन्होंने आपके खिलाफ उनको भड़काया है और जो चाहते नहीं थे कि आप लोग साथ रहें। उनकी जितनी भी मैनिपुलेशंस हैं, जितनी भी उनकी डिप्लोमेसी है, वो उनके सामने खुलेगी और ये करने के बाद वो ये रियलाइज करेंगे कि उन्होंने जैसा भी आपके साथ बिहेव करा या जो समझा वो गलत करा। एक काइंड ऑफ थोड़ा सा गिल्ट भी उनके अंदर आएगा, वो आपके पास आएंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे और वो एक बहुत ही एक इमोशनल पीरियड आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ एक दूसरे से बात करेंगे और थोड़ा सा एक इमोशन मतलब एक इमोशनल टाइम से भी निकलेंगे, जहाँ यू नो एक रिकंसिलेशन होता है, आपको लोगों की सच्चाई का पता चलता है या आपको पता चलता है कि आपने मिसकम्युनिकेशन में या सेल्फ अजम्पशंस में किसी को गलत समझ लिया, तो एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक सा इमोशनल रिकंसिलेशन आपका होने वाला है।
जो आपकी लाइफ को वापस खुशियों से भर देगा, वापस अपने स्पाउस के साथ, या अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं तो शादी आपकी पक्की हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। आपको ये जानने की भी जरूरत है कि जो आपके पार्टनर हैं वो रियली में ऐसा कुछ नहीं है कि उनके मन में आपके लिए ग्रजेस हैं, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लोग साथ रहें, इसीलिए उनकी बातों में आकर, क्योंकि वो लोग थोड़े से आपके पार्टनर के क्लोज हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके रिलेटिव्स हो, कोई कजन्स हो, कह नहीं सकते, कोई भी ऐसा हो सकता है जो उनके क्लोज है, जिन पे वो काफी ट्रस्ट करते हैं, और उनकी उनका बताने का तरीका ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं उनका ट्रस्ट आप पे से हिल गया है, और ये ट्रस्ट आप वापिस आते देखेंगे, और ये प्यार आप वापिस आते देखेंगे। देखिए यहाँ पर मुझे एक कंप्लीटेड वर्ड का कार्ड आ रहा है, जिसमें ये दिख रहा है कि जो आपका प्याला है वो भर जाएगा वापस। प्याला मतलब लाइफ एक प्याला की तरह है, एक कप की तरह है, और उस लाइफ के कप में आप क्या चाहते हैं, खुशियाँ, सक्सेस, फेम, मनी, पार्टनर, लव, केयर, और वो सारी चीजें अब इस खाली कप में भरने वाली हैं। अपने कप में अगर कोई ग्रजेस हैं आपके, या कोई पास्ट की नॉट सो गुड मेमोरीज हैं या हर्टफुल मेमोरीज हैं, उसको खाली कर दीजिए उस कप को, ताकि जब ये खुशियां आपके पास लौट कर आए तो आपका कप पूरी तरह से खाली हो और पूरी तरह से आप उसको एक्सेप्ट कर पाए। देखिए आपके काफ़ी सारी गलतियां, कुछ गलतियां तो आपके साथ आपसे भी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, शायद अपने आप को सच साबित करने के चक्कर में, या आपके पास उसका सबूत नहीं था, या कुछ भी जो मिसकम्युनिकेशन हुई है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन आप भी कर गए, जबकि वो आपको आती नहीं थी करनी, क्योंकि आप इनोसेंट है अपने हाथ से, और वो आपके ऊपर उल्टी भारी पड़ गई, जिसकी वजह से ये ट्रस्ट ऐसा हिला कि कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि भाई आपने ये जानबूझ के करा है, और इसी वजह से वो रिलेशनशिप और ज्यादा बिगड़ गया, और जो थर्ड पर्सन थे, यानी जो थर्ड पार्टी जिनके वजह से ये रिलेशनशिप बिगड़ा, उनको जगह मिल गई आपके रिलेशनशिप में और ज्यादा घुसने की। बट लेकिन अब ये ओवर होने वाला है। मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का कार्ड भी नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के चलते आप अपने वर्क पे नहीं ध्यान दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आपके फाइनेंसिस एंड वर्क फ्रंट भी बहुत ज्यादा हैम्पर हो रहा था। और अगर आप बिजनेस में थे तो कुछ ना कुछ डील्स शायद आपने छोड़ दिए होंगे, या आपका मन नहीं करा होगा तो आपने कुछ अच्छे से पूरा नहीं करा होगा, जिसकी वजह से आपके कुछ क्लाइंट्स भी आपसे नाराज रहे होंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये चीजें ठीक होंगी ना, वो लोग भी आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, मतलब आपकी जो चीजें हैं ना, एवरीथिंग विल स्टार्ट फॉलिंग इन टू द प्लेस वेरी प्रॉपरली एंड वेरी नाइसली, एंड यू विल फील दैट ऑल द थिंग्स आर रिटर्निंग बैक टू यू इन अ पॉजिटिव वे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल आपका प्ले होगा, क्योंकि अगर हम बहुत टाइम से कोई चीज़ खराब चल रही होती है और जब वो ठीक होती है ना, तो या तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, या हम कहीं ना कहीं उस एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आ पाते। तो आपको अपने जितनी भी नेगेटिविटीज़ है ना, जो भी नेगेटिव थाट्स हैं जिन्होंने आपके साथ गलत करा, या जो भी हर्टफुल बातें आप लोगों के बीच में हुई, जो भी ब्लेम गेम आप लोगों के बीच में हुआ, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा, उसको कम्प्लीटली फॉरगेट करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा, ताकि जब आप वापस मिलें तो आप एक जिंदगी की शुरुआत कर सकें। और यही चीज़ बिजनेस में भी एप्लीकेबल होती है, अगर बिजनेस में किसी ने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो बातों में आकर आपके हाथ से वो डील चली गई, जॉब चला गया, प्रमोशन चला गया, तो वो सच्चाई अब उनके सामने आएगी और वो चीज़ आपके पास लौट कर आएगी। तो जब वो चीज़ आपके पास लौट कर आएगी, तो बहुत ज़रूरी है आपको ये याद रखने के लिए, यू नीड टू नो दैट एक्चुअली, कि जब कोई चीज़ अच्छी वापस आती है तो हम बुरी चीज़ों को लेकर नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर हम बुरे की तरफ ध्यान देंगे ना, तो हम अच्छी चीज़ को रिजॉइस नहीं कर पाएंगे। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि सॉरी तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी कि अगर आपके ऑफिस फ्रेंड की मैं बात करूं, तो आपने कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट करा होगा जिसका क्रेडिट कोई और ले गया होगा, या किसी उसकी मैनिपुलेशंस किसी और ने करी होंगी, लेकिन क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो वो चीज़ें अब सामने खुलकर आएंगी, और वो फेम, वो क्रेडिट, वो एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, आपके सीनियर्स वो चीज रियलाइज करेंगे। और यू नो, यू ऑल्सो नीड टू नो वन थिंग, कि आपके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं वर्क करने की, जो इन परेशानियों के चलते और लोगों के लेट डाउन करने के चलते आप भूल गए थे। तो यू हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
एबिलिटी ऑफ इंट्यूशन, जजिंग पीपल, कम्युनिकेशन और रिलेटेड टू योर वर्क. कुछ ना कुछ आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक असाधारण कैपेबिलिटीज हैं. अगर आप काम करते होंगे ना तो बिना थके आप लगातार काम कर लेंगे. जो एक नॉर्मल इंसान अगर किसी भी चीज को 5 घंटे में करता है या 5 घंटे काम कर सकता है, तो आप बिना थके 9 घंटे काम कर सकते हैं. अगर कोई 9 घंटे काम कर सकता है तो आप बिना घंटे थके 18 घंटे. कहीं ना कहीं वो एबिलिटी जो है ना आपकी हार्ड वर्क एंड वर्क की, वो आपको वो लोगों के सामने आएगी और उसकी वजह से आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको सक्सेस भी मिलेगा, आपको लोगों का एप्रिसिएशन भी मिलेगा. और यहाँ पे मुझे ये विनिंग का कार्ड नजर आ रहा है. अच्छा, ये कार्ड ना, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड. दिस शोज द एंजल ब्लेसिंग्स आर देयर. यू विल विन विद द एंजल ब्लेसिंग्स. मतलब आप एंजल्स एंड यूनिवर्स की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से आप जीतोगे. लेकिन ये कार्ड ना दो एस्पेक्ट को दिखाता है. दो एस्पेक्ट यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दोनों को ये दिखाता है कि दोनों ही एक ही कॉइन के दो पहलू हैं. हम कौन सा कॉइन, मतलब कौन सा पहलू अपने पे हावी होने देना चाहते हैं. तो यहाँ पे अगेन ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जो भी पुराना कुछ हुआ है, कोई भी चीज नेगेटिव हुई है, उसको भूल जाइए, उसको याद मत रखिए, और पॉजिटिविटी जो आपकी लाइफ में आने वाली है उसके लिए आप रेडी रहें. क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा उस बुरे एक्सपीरियंस को याद रखेंगे, किसी ने क्या कहा उसको याद रखेंगे, या किसी तीसरे की वजह से आप अपना ट्रस्ट खो देंगे लोगों के ऊपर, तो जो भी नई चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं आप उसको रिजॉइस नहीं कर पाएंगे. तो देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स विच आर कमिंग योर वे. यू नीड टू गेट रेडी टू एक्सेप्ट दैट गुड थिंग्स. और आपको तैयार होना पड़ेगा उन हर अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए. तो ये था पाइल 2 वालों के लिए. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए. कमेंट सेक्शन में हार्ट ड्रॉप कर दीजिए अगर आपको ये रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो. और मुझे बताना मत भूलिएगा कि नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे रीडिंग देखना चाहेंगे. पेड रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो वो पर्सनल पेड रीडिंग्स चार्जेबल होती हैं, उसकी फीस लगती है. बिना चार्ज के पर्सनल रीडिंग्स नहीं होती हैं. थैंक यू सो मच. हम अब पाइल 3 पे मूव कर रहे हैं. सो जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट करा है, यानी कि ओरेकल कार्ड्स को सिलेक्ट करा है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज निकल कर आई हैं इस पाइल 3 की रीडिंग में. और चलिए बिना देर करे पाइल 3 की रीडिंग्स पे मूव करते हैं. और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है. देखते हैं व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ. ओ वाओ, सो ब्यूटीफुल. तो चलिए यहाँ पर सिंगल मेल्स की अगर हम बात करें, जो लोग मेल हैं यानी कि सिंगल हैं और लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, या अगर किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में एक फीमेल की एंट्री होती दिखाई दे रही है. या मे बी शायद पहले से हो, जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त हो या आप उनको पसंद करते हो, और उनकी तरफ से भी अब आपको लव इंडिकेशंस मिलने लगेंगे. यस, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो, अगर नहीं करते हैं तो कोई जल्दी आपकी लाइफ में आएगा, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा जिसकी तरफ आपका झुकाव बनेगा, या वो आपको पसंद करती होंगी. कहीं ना कहीं से आपको उनकी तरफ से लव सिग्नल्स मिलेंगे. आप रियलाइज करेंगे कि देर इज समबडी हु इज वेरी लकी टू मी, देर इज समबडी हु केयर्स अ लॉट फॉर मी. और यही करते करते आपको ये रियलाइज होगा कि ये दोस्ती से ज्यादा है या प्यार है. अगर आप दोस्त नहीं हैं, आप पहली बार मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लव एट फर्स्ट साइट होगा. तो ये कार्ड मुझे डेफिनेटली, डोर टू रोमांस का कार्ड भी आ रहा है, तो डेफिनेटली ये लव लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है, लेडी लक की तरफ इशारा कर रहा है. ये स्पेशली मैं सिंगल मैन के लिए बात कर रही हूँ. अभी मैं वुमेन एंड जो मैरिड मैन है उनकी भी बात करूँगी. तो यहाँ अगर हम मैरिड मैन की बात करें तो उनके लिए थोड़ा सा वार्निंग का कार्ड है, क्योंकि हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और आपकी दोस्ती उनसे हो पहले से, और आपकी वो दोस्ती थोड़ा सा एक इमोशनल या एक अट्रैक्शन टर्न ले ले. आपको थोड़ा सा होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि रोमांस मजाक मजाक करते हुए, हेल्दी फ्लर्टिंग करते हुए, वो कहीं एक एक्स्ट्रा मैरिटल में तब्दील ना हो जाए, जो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, और ये आपके पार्टनर के साथ भी चीटिंग होगी.
तो मैरिड मैन जो है उनको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, मगर जो सिंगल मैन है उनको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि उनके लाइफ में उनके सोलमेट की एंट्री हो रही है। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ नॉर्मल, कोई गर्लफ्रेंड होंगी या किसी की तरफ अट्रैक्शन होगा, ये आपकी सोलमेट होंगी। और मुझे वुमेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे थिंकिंग मैन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई एक ऐसे इंसान जो आपके फ्रेंड हैं, जो बहुत ही एनालिटिकल हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में होती है तो आप उनकी तरफ देखते हैं। और ये आपके ऑफिस में काम करने वाले होने चाहिए, या आपके हो सकता है कि आपके पास में रहते हों, नेबरहुड में रहते हों, कोई ऐसा इंसान जो आपके काफ़ी पास रहता है, जिससे आपकी रोज़ाना बात भी होती है और सेम सिटी में रहता है। तो ये एक ऐसे इंसान है जिसकी तरफ आपका झुकाव होगा और उनका भी झुकाव आपकी तरफ होगा, और हो सकता है कि आपको जल्दी उनकी तरफ से लव प्रपोजल मिल जाए। तो जहाँ यहाँ बात हुई सिंगल लेडीज़ की, उससे पहले हमने मैरिड मैन एंड सिंगल मैन की बात करी। अब मैं ये बता रही हूँ, ये जनरली सबके लिए, चाहे आप लड़की हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे मैरिड हैं, नॉन मैरिड हैं। तो टेम्पल पाथ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक रिजनरेशन एंड रिलैक्सेशन के मोड में आएंगे। आपका रुझान बनेगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपका रुझान बनेगा, यू नो, टेंपल पाथ का मतलब ये नहीं होता कि आप मंदिर में जाके बैठ जाएंगे या आप कोई मेडिटेशन करने लगेंगे। टेंपल पाथ का मतलब होता है पीस, आपकी लाइफ में पीस आएगा। आप जब अपने उस इंसान के साथ होंगे, या इनफैक्ट अगर हम प्रोफेशनल की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो अचीवमेंट्स आएंगे कि आप एक बहुत ही पीसफुल स्टेज पे होंगे, आप पीस महसूस करेंगे, आपको ये रियलाइजेशन होगा कि भाई अब मेरी लाइफ पीसफुल है। जैसे मतलब ये समझिए कि आप अगर बाहर से कहीं थके हुए से आए हैं और एक हॉट वाटर शॉवर लेते हैं, उसके बाद एक ग्रीन टी पीते हैं या अपने पसंद की कोई भी अदरक वाली चाय पीते हैं, और एक अच्छे से साफ सुथरे रूम में बैठे हैं कैंडल्स जलाकर एक अरोमा के साथ, तो वो जो पीस का जो एक फीलिंग होता है ना, कि हम रिलैक्स्ड हैं, हमारे सारे काम हो गए, अब हम बिल्कुल क्लीन रूम में बैठे हैं, एक अरोमा है, वो पीस वाला फीलिंग आपकी लाइफ में आएगा। और वो पीस वाला फीलिंग ऐसा होगा कि यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू हैव स्टार्टेड हीलिंग योरसेल्फ। अगर आप बहुत टाइम से स्ट्रेस में हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे हीलिंग का नजर आ रहा है, जो मुझे ये बता रहा है कि अब आपका यू नो हीलिंग शुरू होगा। और ये सेल्फ हीलिंग होता है, सेल्फ हीलिंग मतलब कि जब हम खुद, हमारी बॉडी, हमारी माइंड, हमारा सोल खुद रिजनरेट करता है और खुद हील करना शुरू करता है। लव इज द बेस्ट हीलर। तो अगर किसी की लाइफ में प्योर लव आ रहा है, सच्चा प्यार आ रहा है, तो उससे ज्यादा बेटर तो कोई हीलिंग हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ में भी अब आपके स्ट्रेस रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सक्सेस आपकी तरफ बढ़ रही है, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ नॉक कर रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद यू विल फील दैट यू आर इन अ हीलिंग स्टेज, यू आर एट अ पीसफुल स्टेज। और देखिए ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। सॉरी, तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप थोड़ा सा नेचर के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि अगर आपको शौक है गार्डनिंग का, तो आप अपने घर में कुछ पौधे लगाते हैं, या आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं, या आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा मेडिटेट करना, घर में कुछ फ्रेश फ्लावर्स होना, घर में तुलसी का पत्ता, कड़ी पत्ता, इस तरह की चीज़ें होना। और तुलसी का पत्ता वैसे भी बहुत शुभ होता है, तो अगर आप तुलसी का पत्ता भी घर में लगाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ, नेचर हीलिंग का कार्ड आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं नेचुरल हीलिंग्स आपको मिलेंगी, नेचुरल एनर्जी आपको मिलेगी। पौधों के जरिए मिल सकती है, एनिमल्स के जरिए मिल सकती है, पेट्स के जरिए मिल सकती है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत है और एंजल्स आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ भेज रही हैं। तो अगर कोई टफ सिचुएशन अभी चल भी रही है, तो वहां आपको एंजल्स हेल्प करेंगी उससे निकलने में, क्योंकि आपके लाइफ में अब बहुत ही जल्दी हैप्पीनेस और रोमांस और मैरिज, रिजुविनेशन, जर्नी, ये सब आने वाला है। एबंडेंस भी आपकी लाइफ में मुझे कार्ड्स में दिखा रही है। आपके सारे कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल आए हैं एंड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। अगर किसी वजह से ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है और आप बहुत ट्रबल टाइम में चल रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो टाइम बस अब थोड़ा सा ही रह गया। अब ये रीडिंग जल्दी आपके साथ रेजोनेट करेगी,
आप अब उस ट्रबल टाइम से निकल के आपकी जर्नी एक हैप्पी टाइम की तरफ बढ़ रही है। तो होपफुल हो जाइए और पॉजिटिव हो जाइए उन पॉजिटिव चीजों को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। अगर बहुत टाइम से आपका काम बंद है या आपके काम में डील्स नहीं आ रही है तो देखिए ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके चलते ही आपके कुछ अबेंडेंस आएगा, कुछ डील्स आएंगी। एंड 3 नंबर का कार्ड है तो मुझे 3 मंथ्स का भी ये दिख रहा है कि जुपिटर की जो पावर है, जो सन का पावर है, जो जुपिटर का पावर है वो आपको शाइन करेगा। तो अगर आप थर्सडे के दिन हल्का सा चंदन का तिलक अपने माथे पे लगा लेते हैं तो वो आपको बेनिफिट भी करेगा। सो ये भी आप कर सकते हैं जुपिटर की एनर्जीज को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड मून की जो एनर्जीज हैं जो अभी तक आपके थोड़े माइंड को परेशान कर रही थी और इवनिंग टाइम में आप फील कर रहे होंगे कि आपका माइंड ज़्यादा परेशान हो जाता है, आपको ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, आप ज़्यादा सोचते हैं, या 6 बजे के बाद अगर आपके आपकी कोई एल्डरली लेडी के साथ फाइट हो जाए या व्यूज क्लैश हो जाए या मदर के साथ हो जाए तो कहीं ना कहीं वो मून की एनर्जीज नेगेटिव जा रही थी जो कि अब आपका फेस पॉजिटिव आने वाला है। यस, अभी ये जो फुल मून आएगा ना, इस फुल मून के बाद आपकी काफी चीजें चेंज होंगी एंड वो पॉजिटिविटी की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएंगी। एंड हम अब टाइम आ गया है कि अब आप भी अपने आलस को छोड़ दीजिए और एक्शन में आ जाइए, क्योंकि कुछ कुछ चीजें अब आपकी तरफ बढ़ रही हैं और आपको प्रॉपरली एक्शन में आना पड़ेगा। आपको मतलब जैसे कहते हैं ना, दौड़ लगानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, देखिए इसमें 2 घोड़े नजर आ रहे हैं, एक सफेद है एक ब्लैक है। कई बार ऐसा लगता है कि रुकने में हमको नेगेटिविटी नजर आती है कि अगर हम रुक गए तो हम पीछे रह जाएंगे, लेकिन कई बार रुकना समझदारी होती है। तो एक्शन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको एक्शन में आना है लेकिन सोच समझ के। ये नहीं कि एक्शन में आने के मतलब आप अंधाधुंध भागना शुरू कर दें, आप देखें ही नहीं कि आगे पत्थर है या घास है या क्या चीज है। तो इसलिए आपको एक्शन में आना है लेकिन विद प्रॉपर प्लानिंग आपको एक्शन में आना है। बिना प्लानिंग के एक्शन में आने का कोई फायदा नहीं रहेगा। एबेंडेंस आपकी तरफ आ रही है, मून की एनर्जीज आपकी तरफ करेक्ट हो रही है, मतलब कि आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। अगर आपको हेल्थ इश्यूज कुछ हैं तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी। एंजल्स आपको स्ट्रेंथ दे रहा है। लव लाइफ में आपके काफी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है और प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके काफी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। हीलिंग का कार्ड आ रहा है तो ये बता रहा है कि थोड़ा सा आप अपने आप को टाइम भी दीजिए, रिलैक्स करिए, रिजुविनेट करिए और अपने आप को भी हील करिए, लेकिन एक्शन में रहकर। रिजुविनेट एंड रिलैक्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि लेथार्जिक हो जाए और हम काम ही ना करें, उसका मतलब ये होता है काम के साथ साथ हम अपने लिए भी वक्त निकालें, सही टाइम पे खाना खाएं, सही टाइम पे पानी पिए, सही टाइम पे चाय पिए और हेल्दी खाएं। अगर विटामिंस लेनी है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, वो सारा हम करें। दैट इज मींस यू नो रिजुविनेशन एंड अ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वही आपको करने की जरूरत है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये रीडिंग्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए। और मैं पर्सनल सेशंस भी लेती हूँ, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्सेज ऑनलाइन हो रहे हैं। आजकल जितने भी रीडिंग कोर्सेज हैं वो फोन पे या चैट पे या वीडियो कॉल पे हो रहे हैं, और उसके अलावा हम टैरो के कोर्सेज, न्यूमरोलॉजी, कॉफी कप रीडिंग सारे वीडियो पे कर रहे हैं। वो पहले भी मैं करती थी लेकिन अब टोटली वीडियो पे है। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स इन डिस्क्रिप्शंस एंड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू सो मच।